नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय। सभी किसान भाइयों को राम राम। और काफी लोगों का कमेंट था जो मेरा फेस देखना है, और लो भाई आज मैं अपना फेस दिखा रहा हूँ। आज संडे है और 30 जून 2024 तारीख है, और ये गाड़ी लग रही है, देखो मिर्ची की गाड़ी लग रही है। यहाँ पे पंजाब से आया हुआ है, पेंसिल वाली मिर्ची आया हुआ है ना, पेंसिल वाली मिर्ची आता है ज्यादातर पंजाब से ही आता है। और यहाँ पे देखो ये लोग सारे आए हुए हैं, पल्लेदार भाई हो, पल्लेदार भाई लोग है। देखो भाई लोग मिलते ना अच्छा लगता है। तो चलिए आज देखते हैं सब्जियों में क्या हालचाल है, कौन सा सब्जी आ रहा है। और बने रहिएगा चैनल पे, और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें। अभी आप लोगों को रियर कैमरे से दिखाऊंगा। और एक बात बताऊंगा, डेली जान तो 10 किलोमीटर से लेके 13 किलोमीटर तक डेली भागता हूँ, तब जाके आप लोग को ये वीडियो देता हूँ। मगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब क्या करो भाई, सब्सक्राइब करने से क्या होता है, और भी इच्छाएं बढ़ती है। जितना फैमिली में लोग जुड़ेंगे, सब्सक्राइबर जुड़ेंगे, व्यूअर जुड़ेंगे, उतना ही मजा आता है। तो चलिए बढ़ते आगे भाई। देखो यहाँ पे ना आज ना काफी सारे मिर्ची दिखाई दे रहे हैं यार, आज लग रहा है अराइवल ज्यादा है यहाँ पे और मिर्चियों की। और यहाँ पे देखो बाबूजी बैठे हुए हैं, बुला रहे हैं मुझे। और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, देखो मिर्ची, देखो भाई ये मिर्ची दिखा देता हूँ। तो ये मिर्ची है, और खुशबू तो सुन के अच्छा ही लग रहा है, खा के भी देख सकता हूँ, मगर देखूंगा बाद में। हाँ देखो बाबूजी बोल रहे आज थोड़ा सा टशन लिया जाए भाई, देखूँ कौन सा मिर्ची लूँ, ये सही है। तो भाई ये खाने के लिए बोल रहा है, रुक जाओ। तो भाई ये खाने के लिए बोल रहा है, चलिए आज ये खा के देखता हूँ। बाबूजी है सामने, हाँ हाँ तेज तो है भाई, ये खा के देख रहा हूँ। देखो खा लिया हूँ, तो लोगों को देखता हूँ कितना मिर्ची है। मिर्ची तेज हुआ ना तो बोलूंगा, रेफर करूंगा तुम लोग लेके जाओ बाबूजी से। हाँ भाई मिर्ची तो तेज है, मगर मुझे मिठाई लग रहा है, तब पता नहीं क्यों। तो यहाँ लोग हंस रहे हैं, तो देखो ज्यादा तेज होता ना तो आंखों से आंसू आता है, कुछ होता, मगर उतना कुछ नहीं हो रहा है, मतलब ना और नहीं, और नहीं बाबू जी, बस बहुत है, इतने में काम हो जाएगा। तो गाइस नहीं, मैं ना काफी दिन से मिर्ची कम खा रहा हूँ ना, मीठा मीठा ज्यादा चीज खा रहा हूँ, तो ठीक है, तेज है, तो हल्का हल्का आंसू आ रहे, देख लो भाई आंसू आ रहे हैं हल्का हल्का, तो तेज है। चलिए अभी बात करना और भी मजेदार होगा, और चलिए जानते हैं। भैया जी ये बताइए कौन सा मिर्ची है? ये है पंजाब की। पंजाब की कौन सी मिर्ची है? 60-13। क्या रेट है इसका? रेट है 50-52 का। 50-52। तो गाइस आंसू तो आ रहे हैं मुझे, और इसका रेट चल रहा है 50-52। और ये कौन सा मिर्ची है? ये भावना का क्या रेट है? 60 रुपए। और आज गाड़ी कितने आई हुई है संडे के दिन? बहुत लंबी चौड़ी मंडी, आज तो ज्यादा ही है, 17-20 गाड़ी तो है, दिखाई तो दे रहा है, आज लाइन से लगी हुई है। और आज को आपको पता चल गया है कितने गाड़ी है, तो थोड़ा टाइम रुकते हैं, पानी पीता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। गाइस ऐसे तो ठीक हो गया हूँ, मगर ले लेता हूँ कहीं, अभी वीडियो बनाना है, और इसलिए दही ले लिया हूँ। मगर दही खाने से जो मिर्ची लगता है ना पेट में लग रहा है हल्का हल्का, वो कम हो जाता है। अरे ठीक हो गया हूँ, मगर सेफ्टी अपना जरूरी है, कहीं गर्मी हो रहा है ना ज़्यादा, ऐसे कंट्रोल है बिल्कुल। और अभी चल रहा हूँ, बने रहिएगा, अभी प्रॉपर दूंगा जानकारी आपको आज का दिन संडे के दिन क्या क्या हो रहा है। आज प्रॉपर फेस भी दिखा रहा हूँ, और थोड़ा आज बाल उल कटिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा है मुझे, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। दिन में देखो, दिन में 10 वीडियो बनाता हूँ, तो 10 वीडियो बनाने का टाइम कहाँ है बताइए, आप सोचिए। तो खाना खाने का भी टाइम नहीं है मेरे पास अभी कुछ दिन से। आज देखो यहाँ पे पंजाब का ना मिर्ची बहुत आ रहा है आज, और ये पेप्सी मिर्ची बोलते हैं, भैया जी बता रहे हैं। बाबू जी ये क्या रेट चल रहा है? और भाई जी का है, तो गाइस देखो इसमें दिखाई तो दे रहा है, काफी सारे हैं, और यहाँ पे भी पूछ के चलते हैं क्या रेट चल रहा है इसका भैया। हाँ 36 रुपये कम है इसका। और बाकी जो भावना क्या रेट के है? 55। और एक आ रहा है भावना के अलावा, और दूसरा कौन सा है? 13। हाँ 13 का क्या रेट है? 48-50। तो मतलब इसके कम क्यों है? तो इसका कम है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको रेट का अंदाजा लग गया है, थैंक यू भैया। तो भैया क्या रेट है आज?
भैया आज तो बढ़िया लग रहा है भैया, क्या बात है, आज फुर्सत में लग रहे हो, आज क्या रेट दे रहे हो आज? 250 रुपए किलो। 250 रुपए धरी किलो? किलो क्यों इतना रेट कैसे महंगा कर रहे हो यार? ये मौसम का। मौसम का यार झूठ तो मत बताया करो यार, 250 रुपए मर जाएगा लोग यार, मेरे वीडियो में बोलोगे देखूंगा नहीं। कुछ भी नहीं, 180 250 रुपए किलो सही में? हाँ, और क्या करा, हल्का धनिया का कोई भाव नहीं, कोई भाव नहीं, 60 हल्का कभी थोड़ा होगा। तो गाइस आज देखो भाई 180 200 250 रुपए जा रहा है भाई। और यहाँ पे देखो ये धनिया, कहाँ का धनिया है ये? अम्बाला। अम्बाला की धनिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थैंक यू भैया, मैं तो बेहोश होने वाला हूँ थोड़ा बहुत। बाबू जी धनिया 30 रुपए किलो। और गाय सॉरी पुदीना, गाय यहाँ पुदीना दिखाई दे रहा है बाबू जी, पुदीना क्या रेट है? 30 रुपए। बहुत सस्ता हो गया ये वाले ना, और ये वाले अच्छे वाले बाबू जी बता दो। अरे बाबू जी बता दो। अरे ये महंगे है, 100 रुपए किलो का। 100 रुपए किलो का, अरे ये 30 रुपए किलो ना, इसका साइज देखो। एक दूसरे को ब्लेम करते हुए बासी माल बेच रहे, ना 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 ना, मैं तो ऐसा नहीं कहूँगा ना, मेरे लिए तो आप लोग भगवान हो। नहीं नहीं, आप लोग भगवान हो। देखो आपके पास भी कितना बढ़िया धनिया है, पुदीना है। आप ही बता दो आपका क्या रेट चल रहा है बाबू जी? उनका रेट ही है 100 रुपए। तो गाइस देखो जो भी है, आज अराइवल कम है और रेट बरसात में हल्का सा हाई रहता ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थैंक यू जी, थैंक यू। 200 रुपए किलो। गाय देखो भैया भी उदास बैठे हुए, क्या कुछ हो गया क्या? बाजार तेज हो गया, खुश हो? घाटा लग रहा है, तेज हो गया घाटा लग रहा है, बताओ भैया। गाय देखो आज तेज हो गया घाटा लग रहा है, आज थोड़ा टाइम पास करेंगे लोगों के साथ और चलेंगे। तो देखो और चलिए आगे बढ़ते हैं, थैंक यू भैया, थैंक यू। तो दे दो ना, 30 रुपए में कौन सा दिक्कत आ रहा है? ओहो 2 क्विंटल माल है तो भारी लॉस है भाई। गाइस देखो आज धनिया बहुत खतरनाक रेट है। गाय बाबू जी चाय पीते हुए दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे है ये मिर्ची, तो इस मिर्ची का नाम मैं भूल जाता हूँ क्योंकि ये कम देखता हूँ ना, मैं खाता ही नहीं हूँ इसको। तो बाकी मोटी मिर्ची गुल्ली है, गुल्ली मोटी मिर्ची, तो इसका क्या रेट चल रहा है? 40-42। गाइस इसका 40-42 चल रहा है। और खीरा का क्या बिक गया? खीरा का भाव क्या हो? 45-40 रुपए। ये खीरा वो चाइनीज खीरा होता ही है। और चलिए आगे बढ़ते, थैंक यू बाबू जी, थैंक यू। तो आप लोग अपडेट देते रहेंगे। आज देखो माशाकुर भाई लोग भी बैठे हुए सारे, और इनके वजह से भी रोजी रोटी चल रहा है काफी घरों में। गाइस देखो बाबूजी के पास संडे के दिन भी माल आ रहा है, बढ़िया माल आया हुआ है। करेला तो दिखाई दे रहा है, लग रहा है करेला सस्ता हो गया है, और सेल का मोड़ा यहाँ पे बैगन है। तो आइए पूछते हैं बाबूजी से। और यहाँ पे हरा बैगन दिखाई दे रहा है, करेला, चिचिंडा, और क्या है इसमें, काली तोरी तो दिखाई दे रहा है मगर सेल हो गए होंगे। नमस्ते बाबू जी। तो बाबू जी करेला क्या रेट है? करेला 9-10 रुपए। 9-10 रुपए। और हाइब्रिड दोनों का एक ही है? और चिचिंडा 15-16 रुपए। और काली बैगन, हरा बैगन 18-20 रुपए। और ये आम का क्या भाव है आज? 13 रुपए। भाई ये संडे वाला रेट बताया जा रहा है। काली तोरी आई हुई थी, तोरी महंगी है, महंगी है, क्या रेट है बाबू जी? 20-22 रुपए। और झींगा तोरी? झींगा तोरी 18-20 रुपए। पता चल गया है। और संडे के दिन भी माल सेल हो रहा है, बस इस करेला का रेट कम है। क्यों बाबू जी कम क्यों है? इसका करेला ज्यादा आ रहा है ना, ज्यादा आ रहा है, इसका अराइवल ज्यादा है। देखो बहुत सारे करेले लगे हुए हैं। और यहाँ पे थैंक यू बाबू जी। और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो ये तो बोरिया दिखाई दे रहा है, अभी साइज बहुत लंबे लंबे हो गए। और आइए पूछते हैं भैया बैठे हुए, अरबी का क्या भाव है? ये हल्का छोटा दिखाई दे रहा है, क्या देख लेना, दोनों है आज खंडवा की बहुत भाई, खंडवा की गाड़ी आ गई भाई, बहुत दिन से मुझे तमन्ना था, पंजाब 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 दिखा रहे थे भैया, आज खंडवा भी दिखा दिया, सारा खंडवा पंजाब। ओ भाई ये पंजाब है ना, और आगे वाला खंडवा है। खंडवा का देखो साइज, देखो मैं दिखाता हूँ आप लोग को, ये क्यों महंगा है, ये देखो इसका साइज देखो कितना लंबे लंबे हो रहे, और इसका साइज देखो हल्का सा छोटे आ रहे, तो इसका रेट कम है। ये पंजाब का माल है, और खंडवा का थोड़ा रेट ज्यादा होता है।
भाव ही खुला मार्केट में 35-36 का माल आज भाव खुला हुआ है, तो आज बाजार ग्राहक कम होने के कारण थोड़ा हल्का सा हल्का दिखाई दे रहा है ना, मगर भाव दोनों का सेम आज दोनों का सेम है, नहीं तो अगला मतलब अगर हफ्ते का दिन शुरू होता तो इसका रेट तो 4-5 रुपए ऊपर रहता ना। तो गाइस आपको पता चल गया है, और शॉप नंबर 242 ए 242 और मैं अभी ए ब्लॉक में चल रहा हूँ। थैंक यू भैया। तो गाइस देखो बंगाली नींबू आ गया फिर से, और ये जंगल में ज्यादा होता है, आसाम बंगाल उड़ीसा साइड में बहुत मिलेंगे ये वाला नींबू। और आइए भैया से पूछते हैं, भैया यहाँ पे है, भैया ये खाली नींबू के नींबू का बताओ आज। नींबू भैया बिक रहा है 35 रुपये। 35 रुपये, और इसका क्या नाम बोलते हैं? नाम नहीं पता ना भाई, ये है ना जंगली नींबू ही मान लो, तुम लोग तो जंगली बोलोगे मगर बहुत ही रस होता है इसमें ज़्यादा। और चलिए थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। तो आइए गाइस भैया के पास आ गया हूँ और दिखाई दे रहा भैया, आज बताओ आपके पास क्या क्या है? बैगन था, काला बैगन था, गुलाबी बैगन, हाँ ओके, और तोरी थी, आम था, रतालू है, रतालू है, और करेला था, करेला था। तो गाइस देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा आम है, रतालू दिखाई दे रहा है, काली बैगन और काली तोरी, और ये है आपका बैगन, हरा बैगन, और लिपस्टिक सेल हो गया है, और आम तो मिलेगा भैया के पास, अभी आम का सीजन चल रहा है कच्चा आम का। तो भैया जी और बताओ आम क्या रेट है? आम 15-14 रुपये 3 रुपये 15-13 रुपये 14 रुपये। और ये बैगन, बैगन मंदा हो गया पहले से, बिक रहा 20-22 रुपये। चलो तो भी बाजार ठीक है, इतना तो होना ही चाहिए बना हुआ है। और रतालू, रतालू 20-22 रुपये। और ये काली तोरी, काली तोरी बढ़िया तोरी, एक नंबर वाली तोरी बिकी है 30 से लेके 35 तक 30 से लेके 35 तक। और जो हल्की तोरी है बिकी है 20 से लेके 25 तक 20 से लेके 25। और यहाँ पे करेला भी दिखाई दे रहा है, करेला 10 रुपये। करेला का थोड़ा पीट गया है ना बाजार, तो ज्यादा आ रहा है क्या? हाँ करेला ज्यादा नहीं आया, पुराना करेला हो गया, नया करेला तो महंगा है, पुराना हो गया। नया वाला क्या रेट है? नया वाला तो आ नहीं रहा, तो फिलहाल बता नहीं सकते, 15-16 तो बिक रहा होगा नया वाला। ओके ओके, 15-16 बिक ही रहा होगा ना। तो भाई आपको रेट का अंदाजा लग गया भैया के पास जो भी है। और लौकी, लौकी बढ़िया लौकी, गोल वाली लौकी बेची 35 रुपये की लौकी, गोल वाली आई हुई है ना, 35 रुपये की बेची, लंबी वाली 28-30 रुपये 28-30 रुपये। तो गाइस भैया के पास हर एक वैरायटी आता है सब्जियों में, और यहाँ पे देखो लौकी लगा हुआ है बाहर, वो भैया लगा के बैठे हुए हैं, क्योंकि भैया से लेके यहाँ पे बैठ जाते हैं लोग, हमें पता है सारा चीज़ों का। और भैया और आने वाले टाइम में क्या स्थिति बनेगा थोड़ा बताओ? बरसात होने वाली, बरसात तो चली रही है, हाँ। बरसात हो जाएगी, जो जमीन की सब्जियाँ हैं, हाँ। वो खत्म होती, सब्जी इस टाइम देखने को भी नहीं मिलेगी, देखने को भी नहीं मिलेगा, सुबह 3-4 बजे तक फड़ खाली हो जाएंगे, फड़ खाली हो जाएंगे ना। अब तो लग रहा है धीरे धीरे होने हो रहा है, बैलेंस बन जाएगा, बैलेंस बन जाएगा, खतरनाक रेट भी होगा तगड़ा वाला। आने वाले टाइम में कितना उछाल होगा? 10 रुपए तोरी इस टाइम 30 से 35 बिक रही है, आगे 40-45-50 तक बिक सकती है, 50 तक भी बिक सकता है। तो गाइस आने वाले टाइम में मतलब 50 रुपए तोरी हो सकता है, घिया बढ़िया घिया 35-40 के बीच में बिकती रही। ओके 35-40 रुपए घिया भी अभी भी जा रहा है कहीं कहीं जगह, कहीं जा रहा है, मैंने खुद आज 35 रुपए बेचा है गोल वाला घिया, और लंबा वाला बेचा है 28-30 रुपए। मतलब आने वाले टाइम में रेट बढ़ेगा, अभी अभी दो महीना तो है, नहीं नहीं अभी ये हफ्ता 10 दिन में ही फर्क पड़ जाएगा, हफ्ता 10 दिन में ही, एक बार तगड़ी बारिश पड़ेगी ना उसी में अगले दिन ही उछाल आ जाएगा सारी सब्जी। हाँ हाँ ये तो है। तो गाय आप लोगों का जानकारी मिल गया है, तो सभी किसान भाइयों को बताना चाहूंगा रेट अभी हल्का सा धीरे धीरे आप ही हो रहा है, कुछ सब्जियों में एक आधा जैसे करेला हो गया ये हल्का सा डाउन है, करेला पुराना करेला कम हो गया है और कम बिक्री हो गई है, जो नया करेला उसका बाजार ठीक है, 15-20 का बाजार है, 20 का बाजार है नए करेले का। तो आइए नंबर भी लेते भैया, नंबर 9891400241। तो दिए हुए नंबर पे कोई भी किसान भाई है, रिटेलर भाई है, होलसेलर भाई है, जुड़ सकते हैं। थैंक यू भैया। और गाइस कुछ भाइयों को बताना चाहूंगा, जो लोग 1-2 किलो भी लेने आते हो तो यहाँ पे 1-2 किलो भी सामान मिल जाएगा। देखो यहाँ पे देखो लगे हुए हैं सारे फल फ्रूट लगे हुए हैं यहाँ पे, और कुछ इम्पोर्टेड फ्रूट भी है यहाँ पे, आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ। देखो ये इम्पोर्टेड फ्रूट सारे हैं यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, और यहाँ पे ग्रीनी भी मिल जाएगा, यहाँ पे अनार भी मिल जाएंगे आपको, सारे चीज़ें 1-2 किलो ले जा के अपने घर पे ले जा सकते हो। और आज संडे का दिन है और डेली ऐसा लगता है, डेली ऐसा लगेंगे आपको। देखो माल्टा वगैरह है, आम तो है ही है। तो आम भैया आम क्या रेट है? ये सफेदा ये 100 रुपये 100 रुपये, और ये वाले दशहरी ये 60 रुपये किलो भाई है। और एप्पल क्या रेट भाई? 140। तो 1-2 किलो दे देते हो ना आप लोग, तो 1-2 किलो दे देते हैं। ग्रेनी 200 रुपये 100 रुपये ग्रेनी 100 रुपये जा रहा है भाई। तो ऐसे आके लेके जा सकते हो आप लोग। और आज वीडियो थोड़ा सा
अलग टाइप में बना रहा हूँ और जानकारी भी देते रहूँगा। यहाँ पे केले भी मिल जाएगा आपको सस्ते में, अगर यहाँ पे आते हो ना आप, यहाँ पे सुबह आओगे तो केले भी हल्का सा बाहर से बढ़िया रेट मिल जाएगा। भैया ये जो केले है क्या रेट है? 60 रुपीज़ दर्जन। तो ये 60 रुपीज़ दर्जन, और बाहर में जाओगे 70 से 80 रुपये मिलेगा, मतलब 10 से 15 रुपये 20 रुपये का फ़ायदा है। आप देख लो साइज़, देख लो साइज़ देख के भाई, भैया ये थोड़ा उठा के दिखा दो, तो देखो अगर मैं झूठ बता रहा हूँ तो साइज़ देखो भाई, साइज़ देख के दिल खुश। बाहर ये 70 से 80 भी बेच रहा होगा ना भाई, कलर में भी होगा, येलो कलर में भी होगा, ग्रीन कलर में भी, येलो कलर में, हाँ दोनों ही मिलेगा। यहाँ पे माल जैसा चाहिए वैसा आप लेके जा सकते हो, और उसका छोटे वाले भी है हल्का सा। ये क्या रेट है? 50, ये 50 रुपये भी मिल जाएगा, जो ये 60 रुपये में बेचेंगे ये लोग बाहर, मतलब 10 रुपये 15 रुपये सस्ता है, अंदर आ जाओगे तो 40 वाला भी, 25 वाला 30 वाला भी मिल जाएगा, जैसे अभी टाइम पार हो जाएगा। थैंक यू भैया। और इस साइज में सब्जियां भी मिल जाएगा, देखो सब्जियां भी बेचते हैं और काफ़ी सही रेट है। हुआ क्या रेट दिया भैया जी? 200 रुपये। 30 रुपये भाई, 30 रुपये भाई, देखो यहाँ पे जा रहा है 30 रुपये किलो, तो आप बैगन लेके जा सकते हो। और परमल 40 रुपये परमल है, बाहर देख लीजिए, बाहर 60 रुपये 70 रुपये मिलेगा। थैंक यू जी, थैंक यू भैया। आइए बाबूजी के पास चलते हैं, और यहाँ पे बाबूजी का देखो खीरा आया हुआ है देसी, और काफ़ी देखो गाड़ी में आया हुआ है खीरा है, और यहाँ पे टिंडे बाबूजी के पास हमेशा मिलते हैं, टिंडे और खीरा। और आइए, और क्या है लंबू भैया, ये तो चौकीदारी करता है, सही में बहुत ही चौकीदारी करते हैं। और बाबूजी है यहाँ पे, देखो आज बाबूजी को बहुत ही अलग लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है लुक में। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते नमस्ते। तो बाबूजी और बताओ आज कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये गाड़ी कहाँ से आई हुई है? ये कानपुर से आई। तो देखो बाबूजी संडे को भी ड्यूटी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं यहाँ पे, और ये कानपुर की गाड़ी आई हुई है, खीरा और ये टिंडे ना। तो टिंडा क्या रेट है? देखो ये देखो टिंडे लगे हुए हैं बाबूजी के पास, हमेशा टिंडे मिलते हैं, और बिल्कुल चौराहे पे मिलेंगे, बाबूजी का शॉप है। तो बाबूजी बता दो पहले ये टिंडे। टिंडा बाबूजी 30 रुपये किलो। 30 रुपये। और ये दो नंबर खीरा 8 रुपये। दो नंबर खीरा भी है 8 रुपये किलो ना। और ये दो नंबर टिंडा 10 रुपये। ये दो नंबर टिंडा 10 रुपये किलो का, देखो गाइस। अब एक नंबर खीरा दिखाओ। एक नंबर खीरा भाई, मैं आपको नजदीक जाके दिखा देता हूँ एक बार, क्योंकि जितना नजदीक दिखाऊंगा उतना मजा आएगा आपको देखने में। और देखो ये दो नंबर नहीं है, ये एक नंबर है, एकदम बढ़िया माल, देखो एकदम ताजा, कल रात का तोड़ा हुआ है, रात को तोड़ के सुबह आ जाते हैं माल यहाँ पे। और बाबूजी यहाँ पे बैठे हुए, तो चलिए बाबूजी से नंबर भी लेते हैं, आज बहुत दिन हो गए बाबूजी से मिले नहीं, नंबर लिए नहीं, तो बाबूजी कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दो। मेरा मोबाइल नंबर 93 11 370 770। सभी किसानों से रात की ये अपील है कि रात को 10 बजे सुबह 11 बजे तक हम फोन उठाते हैं, इसके बाद सो जाते हैं। थैंक यू बाबूजी। तो दिए हुए नंबर पे कोई भी किसान भाई है, रिटेलर भाई है, होलसेलर भाई है, जुड़ सकते हैं। चलते बाबूजी। गाइस देखो बाबूजी बुला रहे थे, बताओ क्या सेवा कर रहे हो इसका, आम का क्या सेवा है? आम का है 20 रुपये। 20 रुपये कौन सा आम है? ये देसी ब्रांड है। देसी ब्रांड है। आपका नाम? मेरा नाम तो कमलेश है। कमलेश है। तो गाइस देखो कमलेश जी सेल आउट कर रहे हैं, 20 रुपये आम है, देसी ब्रांड है, आम है, लेके जा सकते हो। थैंक यू भैया। तो गाइस देखो यहाँ पे ना लौकी, बहुत खूबसूरत लौकी है, बिल्कुल फ्रेश माल है, इतना बढ़िया माल तो कभी कभी दिखाई देता है इस टाइम। और आइए बाबूजी से पूछते हैं। बाबूजी नमस्ते। बाबूजी तो बाबूजी ये बताओ ये जो लौकी है कहाँ का है? रायपुर। तो बाबूजी क्या भाव है आज का? 30 रुपये। गाइस आज 30 रुपये जा रहा है, बहुत ही बढ़िया, एकदम A1 क्वालिटी दिखाई दे रहा है। और देखो गाड़ी में पूरी क्या खीरा है या क्या खाली खीरा है? इसमें खीरा है ना, तो ये कम ही आया होगा, कम है मतलब। तो खीरा का क्या भाव चल रहा है? खीरा 20 रुपये भाई, खीरा भी है, खीरा का रेट तो आपको पता चल ही गया है। और शॉप नंबर गाय यहाँ पे दिखाई दे रहा है, D429 नंबर है, और मैं अभी डी ब्लॉक में आ गया हूँ, डी ब्लॉक में आगे बढ़ते हैं। थैंक यू बाबूजी। तो गाय देखो कुंदरू की गाड़ी है, और इधर दीदी उठा उठा के लेके चले जाते हैं, जो गिर जाते हैं ना, और वो भी सेल करते रहते हैं लोग, तो अच्छा बात है, ये गिरे हुए भी माल अच्छा होता है, मैं भी कभी कभी लेके जाता हूँ, ऐसी बात नहीं है। देखो ये सारे माल ना कभी कभी गिर जाते हैं ना, और सारे देखो कहाँ से गिरते हैं, इस छेद से गिर जाते हैं, देखो इस छेद से गिर जाता है, और सारा उठा उठा के लेके चले जाते हैं। हाँ बस चले। थैंक यू भैया, थैंक यू। तो गाइस देखो यहाँ पे बेल दिखाई दे रहा है, बढ़िया बेल है, ओहो बिल्कुल पका हुआ, और ये चोमो का बेल होगा राजस्थान का, और यहाँ पे देखो फली,
और ये फली भी ठीक ठाक है। और आइए, बहुत सारे फली है यहाँ पे, शकरकंदी भी मिल जाएगा। और संडे का रिपोर्ट चल रहा है आज, और क्या भाव चल रहा है भैया? बेल भैया 30 रुपए किलो। बेल 30 रुपए किलो। चोमो का? हाँ। चोमो का है। कितना किलो आता है बॉक्स में? 40 किलो। और यहाँ पे आ रहा है, ये भी राजस्थान का ही होगा। तो ये क्या है फली? टॉप वाली है 75 रुपए। ये टॉप वाली है, ये टॉप वाली है। हल्का सा छोटा है और लंबे चाल का है। और ये हल्का सा लंबे दान, ज्यादा लंबे हो गए है ना? ये 60 रुपए। वो कितना? 75। वो 75, ये 60, मतलब 15 रुपए का अंतर है। और यहाँ पे ये जो शकरकंदी, ए शकर क्या है? 70 रुपए। जिमीकंद? जिमीकंद है भाई, सॉरी मैं नाम गलत बोल दिया था शायद, जिमीकंद। और इसका क्या रेट है? 70 रुपए। 70 रुपए का ये, कभी 50 रुपए हो जाता है, कभी 70, कभी 80 भी हो जाता है ना। तो थैंक यू भैया। तो गाइस देखो, आज यहाँ पे दिखाई दे रहा है परमल और यह है कुंदरू। और भैया के पास बहुत दिन बाद आए हुए हैं, और ये बंगाल की गाड़ियाँ मंगवाते रहते हैं देखो यहाँ पे। तो आज पेठा वगैरह लाए नहीं भैया? पेठा आज नहीं आया है। नहीं तो आपके पास कुंदरू और परमल ही है बस। तो परमल का क्या रेट है? परमल 25 रुपए। 25 रुपए। और कितना किलो कट्टे में आ रहा है? 40-45। और कुंदरू का क्या बाजार है? 25 रुपए। ये भी बहुत बढ़िया कुंदरू दिखाई दे रहा है, और बहुत ही अच्छा। इसमें तो बहुत ज्यादा होगा, 70-80 होगा? नहीं, 50 ही है। तो इसमें भी 50 ही आता है। तो आइए भैया से आज कॉन्टेक्ट नंबर भी लेते हैं। भैया जी कॉन्टेक्ट नंबर दे दो अपना। कॉन्टेक्ट नंबर 8920-66711। और ये आपने शॉप? तो यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, और दिए हुए नंबर पे कोई भी किसान भाई है, रिटेलर भाई है, होलसेलर भाई है, जुड़ सकते हैं। थैंक यू भैया। भाई मैं D420 में आ गया हूँ, और इसी में बैक साइड में यहाँ पे ये अरबी का पत्ता सेल आउट होता है। देखो दो नग आए हुए हैं। आइए भैया जी से पूछते हैं, आपका माल है क्या? क्या बाजार है इसका, क्या रेट चल रहा है आज इसका? 10 की 10 गड्डी। 10 की 10 गड्डी है भैया, 10 की 10 गड्डी है, लेके जा सकते हो। ऐसा है, 10 गड्डी मिलेंगे और 10 रुपए का ना, 10 गड्डी। और माल कहाँ कहाँ है ये? संभल का। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे करी पत्ता भी मिलेगा 10 रुपए बंडल है ना। तो यहाँ पे करी पत्ता भी आप लेके जा सकते हो 10 रुपए, अपने घर के लिए भी, और ये भी लेके जा सकते हो जो लोग पसंद करते हैं। मैं भी बहुत पसंद करता हूँ, इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। थैंक यू जी, थैंक यू। गाइस कटहल की गाड़ी पे आ गया हूँ, यहाँ पे कटहल की गाड़ी दिखाई दे रहा है। भैया लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, बहुत ही मेहनत करके छाट के। ये पक्का भर रहे हो कच्चा? कच्चा भर रहे है यार, पक्का का आ रहा है। इसका वीडियो बना तो रहा हूँ, आपका भी बनाऊंगा, क्यों नहीं, आपका भी छोड़ूंगा क्या? इसका लालू एंड कंपनी है। ओहो, सारा बिहार वाले हैं। चलो चलते आगे, भैया जी से पूछते हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पक्का भी मिल जाएगा। देखो ये सारा पक्का है, पक्का भी जो पसंद करते हैं लेके जा सकते हो। आइए बहू से पूछते हैं, क्या बाजार है आज? नमस्ते बाबू जी। तो बाबू जी आज क्या भाव चल रहा है संडे के दिन? 20 रुपए। 20 रुपए। और पका हुआ? पका हुआ तो कोई नहीं लेता। कोई नहीं लेता, ये फेंके जाते, ज्यादातर गोदाम में चले जाते हैं। और आइए आज बाबू से कांटेक्ट नंबर लेता हूँ। D413 नंबर शॉप है। अब आज नंबर दे दो। 98-102-71-372। तो दिए हुए नंबर पे कोई भी किसान भाई है, रिटेलर भाई है, होलसेलर भाई है, जुड़ सकता है। थैंक यू बाबू जी। गाइस देखो, ऐसा पन्नी पैक वाला ना पहली बार दिखाई दिया है। आइए भैया जी से पूछते हैं, क्या बाजार है आज? काफी बढ़िया माल है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो ये है बीन्स। तो ये पूछते हैं, नमस्ते भैया। और भैया भी मिलते हैं शिमला वाले एरिया में, तो आपसे पूछते हैं बाबू जी। सॉरी भैया जी, ये बताओ बीन्स क्या रेट है? बीन बढ़िया वाला जो है वो 70-75-80। 70-75-80। और ये वाली जो है ये हल्का दो नंबर ही है, ये 55-60। और ये लौकी कहाँ से आया हुआ है? लौकी नासिक है, नासिक। भाई साहब देखो, ये नासिक का माल है, बहुत ही फ्रेश है और बिल्कुल पन्नी पैक आया हुआ है, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेड आइटम है, मतलब बहुत ही अच्छा दिया होता है। हाँ, तो ये क्या रेट है? वो 32 रुपए। 32 रुपए। गाय ये पन्नी लगने का कारण देखो, इतना साफ सुथरा रहता है, पन्नी से ये दागी नहीं लगता है, इसीलिए ऐसा करके मंगवाया गया है ना, जिससे दागी ना लगेगा तो रेट भी बढ़िया जाएगा। तो गाइस आइए भैया जी से नंबर भी लेते हैं। और भैया और क्या क्या, टमाटर भी आपका ही है? चेरी भी आया हुआ है, चेरी टमाटर भाई बहुत कुछ है यहाँ पे। देखो बहुत कुछ आया हुआ है भैया के पास। देखो ये है भाई, ये छोटे वाले टमाटर होते हैं ना, चेरी टमाटर। भाई चेरी टमाटर क्या भाव है? चेरी टमाटर 40-50। 40-50 क्रेट में कितना किलो है? 25 किलो। 25 किलो भाई, 25 किलो आ रहा है। यहाँ पे जुगनू भी दिखाई दे रहा है, जुगनी।
ये दुगनी है। क्या रेट है? पीली वाली दिखाई दे रहा है, पीली वाला 35-40 और हरे वाला 20-25 20-25। तो ये होलसेल भाव बताया जा रहा है। और क्या है आपके पास? शिमला, शिमला मिर्च। शिमला मिर्च क्या रेट है? शिमला मिर्च नासिक वाला है 60-65। नासिक वाला 60-65 और हिमाचल वाला? हिमाचल वाला भी 60-65 है। दोनों 60-65। भाई साहब यहाँ पे देखो, अभी लग रहे हैं यहाँ पे और डायरेक्ट डी ब्लॉक में आते हैं, आपको बताया हूँ। और भैया जी होलसेलर है, पहली बार मिल गए। अभी भैया जी को मैं पहचान के रखूंगा। और आपको ये पत्ते सलाद पत्ता वगैरह आपके पास आता है? सलाद पत्ता नहीं आ रहा, रेड कैबेज आ रहा। हाँ, रेड कैबेज क्या रेट है? रेड कैबेज 130-140 रुपए, 130-140 रुपए किलो। ये होलसेल भाव बता रहे हो ना? होलसेल भाव बता रहे हैं। और ऐसा सलाद पत्ते का क्या भाव चल रहा है आजकल? सलाद पत्ता 80-100। तो ये सारे होलसेल भाव है। और यहाँ पे और क्या क्या आ रहा है आपके पास? और ये खीरा हाइब्रिड है। हाइब्रिड खीरा क्या रेट है आज? 20-22। गाइस आपको रेट पता चल गया, काफी चीज। दो नंबर है क्या? एक नंबर 20-22 हाइब्रिड खीरा। तो हाँ ठीक है, हाइब्रिड खीरा सही रेट जा रहा है। तो दो कल था 40, वो सीडलेस है। ओ, वो वाला चाइनीज खीरा वाला ना? चाइनीज खीरा भी तो है शायद आपके पास? चाइनीज खीरा है 35-38 रुपये, 35-38। तो गाइस आपको रेट लग गया है, आपको पता चल गया है सभी चीज़ों का। तो आइए भैया जी से नंबर तो लेना ही है आज। भैया जी नंबर दे दो। मेरा फर्म है DKS 412-76-830-33-665। आपका नाम? सागर। सागर भैया है। और दिए हुए नंबर पे कोई भी किसान भाई है, रिटेलर भाई है, होलसेलर भाई है, जुड़ सकते हैं। थैंक यू भैया। तो गाइस देखो, आज मैं नींबू के एरिया में आया हूँ। जितना गाड़ी आता है डेली सेल हो जाता है। देखो ये गाड़ी भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो गाइस ये देखो, वो गाइस देखो यहाँ पे देखो। हाँ ठीक है, हाँ देखो देखो बताओ क्या हुआ। गाइस देखो धमकी दे रहा है, मार रहा है। नहीं भाई ऐसे मजाक कर रहे भाई। और गाइस आपको पता चल गया है। और यहाँ पे देखो, और यहाँ पे क्या है बाजार है। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल खाली खाली दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखो खाली हो गया है। जितना गाड़ी आता है, कल कितना गाड़ी आया हुआ था? 40 गाड़ी आया हुआ था। 40 गाड़ी यहाँ पे सेल हो गया। देखो माल बचा नहीं है। और यहाँ पे अभी जो बचा कुचा माल है इनके पास है, ये छोटे छोटे सेमी होलसेलर भाई लोग है। थैंक यू भैया, थैंक यू। बहुत अच्छा हाईलाइट में कर दूंगा इसको। तो गाइस देखो ये आ गया हूँ मैं कुद्दू की गाड़ी पे, अभी डाला उतरा है। और यहाँ पहला माल उतरते हुए दिखाई दे रहा है। तो भैया उतार के रखे हुए है। तो आइए पूछते हैं क्या बाजार है आज। और देखो कितना बढ़िया लंबे चाल वाली माल आया हुआ है ना, लंबे चाल वाले यहाँ पल्लेदार भाई लोग है। तो भैया कहाँ का गाड़ी है थोड़ा बताओ, आइडिया दो। कानपुर का क्या भाव चल रहा है आज? डेली का बाजार रहता है। हाँ डेली का, आज का तो बताओ, इसलिए आज का पूछ रहा हूँ। 10 रुपए किलो। तो ये कितना किलो का दाना हो जाएगा? दाना 1 किलो से लेकर 5 किलो तक रहता है। तो 1 किलो से लेकर 5 किलो। आपका नाम? मेरा नाम हुआ सलमान खान। सलमान खान। और आपका नंबर मिलेगा भैया? हाँ नहीं मिलेगा। चलिए थैंक यू भैया, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। तो गाइस देखो भैया यहाँ पे ये कटहल सेल कर रहे हैं, काट के, काफी बढ़िया। देखो अंदर माल देखो, बिल्कुल फ्रेश माल है ना भैया। तो आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ। देखो ये माल जो ऊपर से दागी जो लगता है, ये अच्छा रहता है अंदर बिल्कुल ना, ऊपर से लगता है ये दागी, मगर अच्छा माल देखो अंदर बिल्कुल फ्रेश माल होता है, ऊपर दागी दागी होता है। तो आप दागी माल भी लेके जा सकते हो अपने घरों में और अपने शॉप में, और काट के सेल करो। काट के सेल करने में क्या रेट दे रहे हो आप? 40 रुपए। देखो काट के बेच रहे हैं 40 रुपए किलो। और 20 रुपए किलो मान लो जो भी भैया ने लाया होंगे, 20 रुपए, 15 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए। तो आज यहाँ पे 20 रुपए बेच रहे हैं, तो ठीक है ना भैया? 40 रुपए बेच रहे हैं, 30 रुपए खरीद के लाए। हाँ मेहनत है, मेहनत तो है, वो तो पता। मेहनत का भी तो 10 रुपए देने ही होंगे, इतना मेहनत करके देखो। छिलाई चला जाता है। हाँ 5 रुपए क्या, 10 रुपए छिलाई ले लो, सही बात है। थैंक यू भैया। तो गाइस देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है टमाटर की गाड़ी खाली होते हुए। और मैं सेट नंबर 1 पे आ गया हूँ और बाबूजी इधर बैठे हुए है और देख रहे हो यहाँ पे मैं छोटा वाला ये हाइब्रिड का गुल्ला होता है। और माल ये 2 नंबर ही है बिल्कुल, और ये बढ़िया माल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये भी लड़बे का ही होगा। बाबूजी से आइए पूछते हैं। और देसी भी मैं दिखाने की कोशिश करते हैं। बाबूजी देसी है? देसी गाड़ी में चल के दिखा देता हूँ पहले। और देखो देसी कहाँ आएगा। तो गाय देसी अंदर ही दिखाई देगा। तो गाय देखो यहाँ पे भैया लेके आ गए। और ये है आपका हेमसोना टमाटर जो आ रहा है लार्वे से। और ऐसा माल तो ठीक ठाक है, हल्का सा करारा ही आ रहा है देखो।
और जो भी हल्का सा निशान भी है मगर सही है, माल सही है, मैं ये बढ़िया बताऊंगा, अच्छा है ठीक देखने में। और आइए बाबू जी से पूछते आज क्या बाजार है, आज संडे है। नमस्ते बाबू जी। तो बाबू जी आज ये भी चल रहा है तो गाड़ी तो कम ही आ रहे होंगे आज, तो आज आपके पास एक ही है? दो गाड़ी थी, एक छोटी एक देखो, एक पिकअप आया हुआ है, एक बड़ी आई हुई है। तो टोटल कितना क्रेट आ गया होगा आपके? 400 क्रेट। आज क्या बाजार है आज हाइब्रिड का? 500 रुपए, 450 लेके 550 हाइब्रिड, दोनों एक ही रेट में। और ये लार्वे का ही है? तो गाई ये लार्वे का ही टमाटर है, बाबूजी के पास आते हैं हाइब्रिड भी, दोनों ये भी 500 रुपए का बिका हुआ है, बढ़िया माल दिखाई दे रहा है और सेम रेट दोनों ही चल रहे हैं। हेमसोना हाइब्रिड का एक ही है। और बाबू जी सुंदर नगर का क्या भाव चल रहा है, कुछ आइडिया? सुंदर नगर 700-800 रुपए, हल्के माल का कोई भाव नहीं है, हल्के माल का कोई भाव नहीं है। A1 जो VIP माल है बढ़िया, उसका रेट बताया जा रहा है 700 रुपए ना। और जो हिमाचल से आ रहा है वो भी हिमाचल ही है, कुल्लू भी हिमाचल में ही है, वो हिमाचल का ही है। हिमाचल का ही है तो सिलाई सेट वाला बिक रहा है 800 रुपए का, बढ़िया बढ़िया सिलाई सेट का ना, अहम सोना। और हाइब्रिड का कुछ अलग ऊपर नीचे होता है ना, हर तरीके का भाव है, 400 से लेके 800 तक का टमाटर बिक रहा है, जैसा माल है वैसा बिक रहा है। ऐसा भाव, मतलब भाव अभी तेजी में है, मतलब तेजी में है और बढ़िया रेट चल रहा है अभी। और किसी के पास भी टमाटर है? निशान है इसलिए 500 का बिकाया है, ये निशान आता है ना कभी कभी, होता तो ये भी 600-700 का बिकता है, 600-700 का बिकता है। भाई देखो ये निशान आ रहा है, किसानों को बताना चाहूंगा ये बारिश का निशान होगा ना बाबू जी? हाँ जी, पुराना हो गया ना टमाटर, ओके ये पुराना हो गया और इसीलिए बारिश से ये हल्का सा निशान लग जाता है। भाई बाबू से कॉन्टेक्ट नंबर भी लेते हैं, 92131-29262 प्रेम पुराना। और आपका फार्म का नाम? CLC छोटे लाल एंड कंपनी, छोटे लाल एंड D1296। तो दिए हुए नंबर पे कोई भी किसान भाई है, रिटेलर भाई है, होलसेलर भाई है, जुड़ सकता है। थैंक यू बाबू जी। गाइस आप लोग एक चीज, सीक्रेट चीज ऐसा कोई नहीं बताएगा, देखो संडे के दिन है और लोग बोलते नहीं है, यहाँ पे आरती लोग जो है जितने बोलते रहते हैं, होलसेलर भाई लोग जो बैठे हुए हैं, लोग बोलते गाड़ी खाली हो जाती है। तो देखो आज CGL में खाली हो जाती है, तो यहाँ पे संडे के दिन है और यह अभी आया हुआ है, देखो आज भी गाड़ी, देखो आज दो एक गाड़ी आई हुई है। और कोई भी यहाँ पे नारियल मंडी है ये, और नारियल का शेड, और यहाँ पे एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रहा जो कल का हो, इसमें हल्का फुल्का माल नहीं है, इसमें भी माल नहीं है। और ये भी शायद हो भी सकता है इसको बंद है, और बाकी किसी जो आया हुआ है सारे नए आए हुए हैं, देखो जितने भी आए हुए नए आए हुए, तो 5-7 गाड़ी यहाँ पे दिखाई दे रहा है नया माल। और आइडिया लग रहा है इससे, इससे आपका आइडिया लग जाएगा जो आरती लोग जो झूठ बोलते हैं सच, और ऐसे दिखाना भी चाहिए आप लोगों को। और आज का जो वीडियो है ना, तो मैं अभी अपन कर रहा हूँ, तो गाइस देखो पसीना हो जाता हूँ, तो इसलिए फेस वगैरह दिखाता ना हूँ। और कुछ लोग बोलेंगे यार स्मार्ट नहीं है, लोग ऐसे बोलते रहते, तो मुझे इस सब चीज़ों से कोई परवाह नहीं है, और स्मार्ट से नहीं काम से मतलब रखना चाहिए, काम हम क्या कर रहे हैं सटीक जानकारी देना चाहिए लोगों को। और मैं कोशिश करता हूँ जो दोबारा जहाँ पे मुझे गलत लगे तो मैं वहाँ पे दोबारा भी लेता हूँ, और जो सही वाला है वो डालने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी ऊंच नीच तो होता ही है हर किसी से, तो आज ना रो जैसा कि वैसा ही डाल दूँगा, कुछ ऊपर नीचे वर्ड हो सकता है उसको इग्नोर करते हुए चलिएगा। और अभी कितना किलोमीटर चल गया हूँ अभी आपको दिखा देता हूँ, बताता भी हूँ। अभी 6:22 हो रहे हैं और 8 बजे तक मैं कोशिश करूँगा डालने के लिए, आज जल्दी निकल जाऊँगा यहाँ से, 8:30-9 बजे तक आ जाएगा वीडियो शायद। और आज अभी तक 2 किलोमीटर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो 2 किलोमीटर से ऊपर चल गया हूँ अभी तक। और डेली जो पहला टिप होता है मेरा वो 5 से 6 किलोमीटर का होता है, और फिर सेकेंड टिप में अभी 5 किलोमीटर से 6 किलोमीटर होता है, तो डेली 10 से 12-13 ऐसा चलता है मेरा डेली चलना जो है। और अभी आगे बढ़ रहा हूँ, अभी आ गया हूँ फल फ्रूट के एरियाओं में, और बने रहिएगा। और आज कल का भी 1-2 वीडियो आएंगे आपको मैं बता देता हूँ, एक तो आपका आम मंडी का जो वीडियो है बाबूजी का, बिकी ट्रेडर्स वालों का आएगा, और एक वीडियो आएगा कल का इम्पोर्टेड फ्रूट का, वो भी कल ही बनाया हुआ था हमारा, क्योंकि टाइम नहीं था हमारे पास, तो सही टाइम पे डालना होता है सुबह के टाइम, वो अच्छा रहता है। तो देख लीजिएगा, प्यार दीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज का वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ, और अभी रूम के लिए निकलने की कोशिश करूँगा 1-2 शॉट लेके।